508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसका शिलान्यास वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना से लगभग देश के सभी राज्यों के किसी न किसी रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सपनों के रेलवे स्टेशन को साकार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय हो जाएंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। आज एक बार में सबसे बड़े शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई, जिसका लाभ देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान को सर्वाधिक लाभ मिल रहा है, जिनके 55 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल भाग लेकर शिलान्यास किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने संबोधन में कहा कि आज भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा कि करीब 1300 रेलवे स्टेशन आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की शुरुआत आज की जा रही है, जिसके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिन स्टेशनों का पुनर्निर्माण होना है, उसमें शाहजहाँपुर भी है, जिसके विकास पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशनों में बच्चों के लिए किड्स पार्क, मल्टी स्टोरी पार्किंग, लॉन्ज, रेस्टोरेंट, एस्केलेटर, वाईफाई व वातानुकूलित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी को रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार बनने के बाद रेलवे के विकास को प्रमुखता से बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक सभी ट्रेनें बिजली से चलेंगी। कई रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेनों में LED लाइट लगने से लेकर वायु टॉयलेट को रेलवे की प्रगति बताया। उन्होंने रेलवे के क्रियाकलाप को ग्रीन ऊर्जा से संचालित करने व प्रदूषण को समाप्त करने पर बल दिया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर प्रगति और विकास के लिए काम कर रही है। जब विपक्ष सरकार में थे तो उन्होंने स्वयं कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो वे खुद काम करते हैं और ना ही काम करने देते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने नए भारत के लिए नए संसद का निर्माण कराया तो विपक्ष ने विरोध किया। आज़ादी के बाद सरकार में रहने वाली पार्टी ने शहीदों की याद में कोई मेमोरियल नहीं बनवाया और जब मैंने वार मेमोरियल बनवाया तो उसकी आलोचना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि उस पार्टी के नेता कभी मूर्ति के दर्शन करने नहीं गए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को एक एक कर जहां गिनाया, वहीं विपक्ष की नकारात्मक भूमिका की जमकर आलोचना की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन, झारखंड के 20, महाराष्ट्र 44, पंजाब के 22, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के 18, गुजरात के 21, उड़ीसा के 25, मेघालय का 1, उत्तराखंड के 3, कर्नाटक के 13, असम के 32, बिहार के 49, छत्तीसगढ़ के 7, केरल के 5, जम्मू कश्मीर के 3, मध्य प्रदेश के 34, हिमाचल, पुडुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़ के 1, पश्चिम बंगाल के 37 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना से लाभान्वित होंगे। आज शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल शिलान्यास को देखते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां उपस्थित हो गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, लोकसभा सांसद अरुण सागर, MLC सुधीर गुप्ता, विधायक चेतराम, विधायक सलोनो कुशवाहा, DPS राठौर, राजेश वर्मा, वीरेंद्र पाल सिंह, अजय प्रताप यादव आदि उपस्थित रहे। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी नहीं देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़ी हुई है। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सत्ता प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने, इस दड़े ने, विपक्ष के इस दड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते हुए शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय को सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के
सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। सबका साथ सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे। सांसद जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? ये भारत की जनता के लिए किस प्रकार की सौगात है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज अमृत भारत स्टेशन विकसित योजना के अंतर्गत हमारे देश में 508 रेलवे स्टेशनों का विकसित करने का काम किया है। 25,000 करोड़ रुपया उन्होंने बजट में रेलवे के कायाकल्प के लिए दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हिंदुस्तान के उन गरीबों के, असहायों के, जो लोग शोषित वंचित टाइप के लोग स्टेशन पर आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लग जाएंगे, आपके पंखे के सहित स्टेशन पर कुर्सियाँ पड़ेंगी, लाउंज बनेंगे, उनकी सुविधाएं उनको मिलेगी। आपका क्या मानना है, इसे क्या रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे, कुछ क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा? यहाँ पर जब जनता को लाभ मिलेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और सरकार की योजना है कि जितना हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दे सके उस योजना को लागू करने का उनके द्वारा काम किया गया है। सांसद जी, जो आज शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है तो इस पर आपका क्या कहना है, किस प्रकार से यहाँ के लिए हितकारी होगा? आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जिसमें संपूर्ण देश में लगभग 508 जो रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो यहां शहीदों की नगरी जनपद शाहजहाँपुर है उसके सम्मान के लिए, वहां की यात्रियों के सुविधा के लिए तमाम ऐसी आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी इस स्टेशन पर, जो आज तक हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी। मैं सांसद 2019 में बना तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खस्ता थी, टाइल टूटे हुए थे, कोई भी ठीक से खाना खाने तो दूर की बात है, कोई ठीक से पानी पीने की स्थिति नहीं थी। मैंने यहाँ पर पानी वाटर कूलर लगवाने का काम किया, तमाम टाइल टूटे हुए थे उनका मरम्मत कराने का काम किया, और लगातार मेरा प्रयास रहा है कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर की जो रेलवे स्टेशन है शहीदों के नाम से, ये जनपद जाना जाता है पूरे विश्व में पूरे देश में, तो इसको सम्मान मिलना चाहिए, और हमारी जनता को जो भी सुविधाएं जैसे लखनऊ दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर है वो सुविधाएं हमारे जनपद को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वर्चुअली जो इनॉग्रेशन ये जो हुआ है प्रधानमंत्री तरफ से, कब से ये काम शुरू होगा और कब तक ये काम जो पूरी सौगात है वो शाहजहाँपुर के लोगों को मिल जाएगी और कितना बजट जारी किया है? शाहजहाँपुर के लिए कुल 17 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें अभी शिलान्यास के बाद में हमारे वर्क अवार्ड हो चुके हैं और तुरंत ही हमारा काम एकदम शुरू होने वाला है। इसमें जो सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग बननी है, फर्स्ट एंट्री फसाद इम्प्रूवमेंट होना है, सर्कुलेटिंग एरिया का जो लिंकिंग होना है पीलीभीत लाइन का मेन लाइन से वो वाला काम, 2 फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, इन सबके वर्क हमारे अवार्ड हो चुके हैं और बिल्कुल शीघ्र ही इसका काम शुरू होगा। इसमें फेज़ 1 में हमारी सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग और फर्स्ट एंट्री का फसाद डेवलपमेंट ये लिया गया है, जो फुटओवर ब्रिज का काम है वो फेज़ 2 में लिया गया है, तो वो हम अगले साल तक कर पाएंगे और फेज़ 1 का जितना काम है वो हमें मार्च 24 तक करके देंगे। मेरा नाम अनुपम चाहर, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, मुरादाबाद। थैंक यू।